हेलो भाई, अगर कोनी कहानी मारनी पहले मार लो, 3-4 मिनट लूंगा मैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत की कड़ी को लंबा ना खींचते हुए मंच पर मौजूद आदरणीय आचार्य देववर जी का स्वागत करता हूँ और मंच पर मौजूद सभी लोगों को चरण स्पर्श और सामने बैठे लोगों को भी प्रणाम। मैं सारे कह के गए, वैसे तो ज्यादा समय नहीं लूंगा नहीं लूंगा, पर फिर भी ले लिया। हाँ, मैं एक ही बात युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूँ। युवा होने के नाते, वैसे तो मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार को 36 बिरादरी के लिए बोलने की जिम्मेदारी भगवान ने भी दी है और उसकी कौम ने भी दी है, और मैं धन्यवाद भी करता हूँ आप लोगों का कि आपके प्यार ने कलाकार बनाया। हो सकता है मेरे गाँव से भी लोग मौजूद हो, दनोदा से, उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना मान सम्मान और प्यार हमेशा इस बेटे को दिया और आगे बढ़ाया। किसी भी युवा के आगे बढ़ने में उसके गाँव की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। एक बार आवागमन सा थोड़ा रुक जाओ तो बोलने का मजा भी आओगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो युवा साथी हैं उनसे अपील करता हूँ, खासकर जो सोशल मीडिया पे हैं, जो अपने कौम के नाम से पेज चलाते हैं, जाटों के नाम से जो पेज सोशल मीडिया पे चलते हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी कौम से जब भी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है, जब कोई कुश्ती का प्लेयर अखाड़े में जाना शुरू करता है, कोई कबड्डी का प्लेयर जाता है, कोई क्रिकेट का जाता है, तो हमेशा दिमाग में वो नू सोच कर जाया करे कि एक दिन मैं विदेश की धरती पर जाकर भारत का तिरंगा लहरा के आऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार उनके सपनों को छोटा कर देते हैं। समझने की जरूरत है कि जाटों के प्रति समाज में नफरत क्यों आई। नफरत ही सोशल मीडिया तो आई, हमारी सोच से आई। जब वो खिलाड़ी जीत के आता विदेश से, जब वो मेडल लेके आता है, तो सोशल मीडिया के बड़े बड़े पेज ये लिखते हैं कि ये है जाटों की ताकत, ये है जाटों का बेटा। वहां पे मैं अपील करता हूं उन युवाओं से, ये लिखा करो, ये है भारत का बेटा, ये है हरियाणा का बेटा, ये है राजस्थान का बेटा, ताकि उस बेटे के सपने छोटे ना हो। जिस बेटे ने सोचा था कि पूरा देश उसका गुणगान करेगा, उसको हम एक कौम में बांध के छोड़ देते हैं, और जब हम ये लिखेंगे कि हमारा बेटा है, सिर्फ हमारा है, तो दूसरी कौम कभी उसके लिए तालियां नहीं बजाएगी, दूसरी कौम कभी उसकी तारीफ नहीं करेगी। उसके सपनों को हमेशा बड़ा रखना है और भटकना नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र से बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, वो जाट आरक्षण के दौरान भी आए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिस दौरान जाटों के खिलाफ बोला गया। हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे मुद्दे क्या है। युवा भूल जाते हैं, हम उसको गालियां देने पर उतर आते हैं, उसको इग्नोर करा करो। अरे, छोटी छोटी चीज हम रोज सीखते हैं, गोलगप्पे वाले तभी सीख सको, उसको कितना में बात मिला लियो गोलगप्पे वाले ने, वो कभी गिनती नहीं भूलता, वो याद रखता है कितने खिला दिए। तो तुम भी गिनती मत भूला करो, अपना टारगेट मत भूला करो, अपने टारगेट की तरफ फोकस रखा करो। और मैं अपील करता हूं सभी से कि आज हमारे बीच में जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये आखिरी पीढ़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, यहां बैठे युवाओं के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये आखिरी पीढ़ी है जो हमें संस्कार दे के जाएगी, ये आखिरी पीढ़ी है जो हमें इकट्ठा कर सकती है। आने वाली पीढ़ी के पास इतना समय नहीं होगा कि आप लोगों को जोड़ के रखे, आप लोगों को समझा के रखे। इन बुजुर्गों का मान सम्मान करा करो। और मैं कहता भी हूं हर मंच से कि बेशक चीन और जापान कार बनाता है, लेकिन मेरा भारत, मेरा हरियाणा संस्कार बनाता है। इनके लिए जोरदार तालियां। 2 लाइन इन बुजुर्गों के सम्मान में कि जब ये हमारे बीच नहीं होंगे तो क्या क्या हम खो देंगे। कि बड़े बडेरे मर जाएंगे, सूरज छिप जावेगा, फिर देखियो हमारे देश तक के जावेगा। रे, घर घर में जब तीज मनैना, रोए जागा सामण रह, बागा में जब झूल गलैना, रोए जागी जामण रह, और खुटी ऊपर रोएंगे ये धोती कुर्ता दामण रह, और मंदिर आगे ठेके खुल जा, रोए जागा बामण रह, इनके आंसू थामण रह, फिर कोई ना आवेगा, फिर देखियो हमारे देश तक के जावेगा। कि अपने हाथा बेटे पाड़े मां का चूल्हा माटी का, माटी के चूल्हे आया करते, 4 भाई इकट्ठे बैठ कर रोटी खा करते, सारे डाल की बात बतला करते, प्यार प्रेम था। इब तो भाई ब्याह था, पहला दिन न्यारे हो जाए, ब्याह बेशक तड़को न्यारपन पहला हो जाए। कि अपने हाथा बेटे पाड़े मां का चूल्हा माटी का, बड्डे की ना चौधर चला, जोर चलेगा लाठी का, नहीं शुक्रिया अदा करेगा जखम कदे भी पाटी का, और घोर अंधेरा छा जाएगा जब तेल सूख जाए बाती का, साथी अपने साथी का जब कत्ल करावेगा, फिर देखियो हमारे देश तक के जावेगा। रे, गुड़की ढेरी मरगी लोगो मरगे कोल्लू गामा में, कोल्लू होया करते। कि गुड़की ढेरी मरगी लोगो मरगे कोल्लू गामा में, गौ माता बिन कद के मरगे घी के डोलू गामा में, चिंटू मिंटू जन्नत जूली आगे गोल्लू गामा में, सुरता बरथा पृथ्वी मांगे मरगे मोल्लू गामा में, के टोलू गामा में, मने कुछ ना पावेगा, और देखियो मारे देश थे के जावेगा।
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति का भी स्वागत करता हूं, और इनके लिए दो लाइन कहना भी चाहूंगा कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, और जिस घर में इसके नाम की तख्ती भी नहीं है इसकी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए, युवाओं की भागीदारी। दो मिनट और बोल लूं, कोहली अटल बस बस करें, चलो धन्यवाद। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप ध्यान रखेंगे जो जो अपील करिए युवा साथियों से, खासकर हमने सबको सबके साथ सम्मान से पेश आना है और अपनी कौम पे हमेशा प्राउड करना है। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।